एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें दो लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, लाल लाल घेरे इनके ऊपर लगे हुए हैं। कौन है ये? ये अफगानिस्तान के मंत्री हैं, माने कि तालिबान के, और ये पहुंचे हुए थे पाकिस्तान। सारे लोग खड़े हैं लेकिन ये दो लोग बैठे हुए हैं और अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ये बहुत भारी बेइज्जती है जो तुमने करी है हमारी। जानेंगे आखिरकार तालिबान ने जवाब क्या दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 500 लोग अंधे हो चुके हैं, वहीं ईरानी राजदूत भी अंधे हुए। जानेंगे आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर का अब आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपने क्या देखा? दरअसल इस वीडियो में पाकिस्तान का राष्ट्रगान चल रहा है और इस राष्ट्रगान के दौरान तालिबान के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे रहे और फोन चलाते रहे हैं, और फोन चलाने के साथ साथ इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है। जबकि राष्ट्रगान में क्या होता है कि लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान के साथ, कम से कम वैसा ना करते हैं तो भी कि जैसे किसी का दिल में हाथ रखने की प्रक्रिया होती है या कोई किसी तरीके से सम्मान देता है, पर कम से कम खड़े जरूर हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो अफगान मंत्री या अफगान अधिकारी थे वो बैठे रहे। ये हैं कौन? अफगान महावाणिज्य दूत हाफिज मोहिबुल्लाह सकीर खान, ये यहाँ पर बैठे रहे और राजनयिक प्रोटोकॉल का इन्होंने उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी बुरी तरीके से नाराज हो गए। ये वाकया मंगलवार को पेशावर में रहमत उल आलमीन सम्मेलन के दौरान हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रगान के दौरान खड़ा नहीं होने के साथ ही बवाल मचना शुरू हो गया। विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। अब ये कार्यक्रम कहाँ पर था? खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बज रहा था तो साकिर और उनकी सहयोगी अपनी सीट पर ही बैठे रहे। आसपास सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े थे लेकिन दोनों अफगान अफसर सीट पर बैठकर फोन में देखते रहे। पाकिस्तान में अफगान अधिकारियों के इस कदम की आलोचना कही गई। कुछ ने तो ये कहा कि भैया हमने तो सम्मान दिया और इन्होंने तो हमारे घर में घुसकर हमें बेइज्जत कर दिया, ये एकदम राजनयिक आचरण नहीं है, इस तरीके का व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाने लगा कि इसको निकालो, साकिर को निष्कासित किया जाए, इसने हमारे राष्ट्रगान की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, इसने हमारे प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा, इनको बाहर करो। अब ये सब समय में कब, ये सब किस समय में हो रहा है? आपको मैं ये भी बताऊंगी कि तालिबान ने अपना आंसर क्या दिया है और तालिबान का आंसर सुनकर आपको हैरानी होगी। उससे पहले जानिए, तालिबान बहुत परेशान है पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों को न सिर्फ निकाल दिया है अपने देश से, पर अभी भी जो लाखों अफगानी है उनके अंदर एक डर पैदा कर दिया है। कल को कब तुम्हें निकालने का आदेश आ जाए कहना मुश्किल है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान के रिफ्यूजी अब साइकोलॉजिकल प्रेशर झेल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव है, अनिश्चितता है। यहाँ पर दसों साल से बीसों साल से रह रहे थे, दुकान बना लिया था, घर बना लिया था, अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, अफगानिस्तान में वो कैसे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत तो ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बीत चुकी है और अब उन्हें अपने साजो सामान के साथ अफगानिस्तान जाने की बात हो रही है। तो ऐसे में मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीमार रहने लगे हैं। और पाकिस्तान के साथ क्या है, टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अफगान के जर्नलिस्ट अब सेफ नहीं है पाकिस्तान में, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि बॉर्डर पे लगातार तनाव है। पाकिस्तान ने अपने जो खास प्रतिनिधि रखे थे अफगानिस्तान में उनको भी वापस बुला लिया। अभी बॉर्डर पे लगातार छिटपुट घटनाएं होती ही हैं। अब तो लोगों ने इसके बारे में बात करना भी छोड़ दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका का एक आर्टिकल देखिए, अब निकलकर ये सामने आ रहा है कि हाँ जी यहाँ पर कुछ चल रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ तनातनी है, गोलीबारी चल रही है। अब इसे हल करने के लिए पाक सिक्योरिटी के जो अफसर हैं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, इनका डेलीगेशन पहुँचा कंधार कि चलो बॉर्डर इशू को हम डिस्कस करते हैं, इनको हल करते हैं।
ये सारी समस्याएं दोनों देशों के बीच में चल रही है। मनोवैज्ञानिक तौर पर हो या फिर आर्मी के तौर पर हो, दोनों ही देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। पर यहाँ पर तालिबान ने जो बात कही कि वो क्यों नहीं खड़े हुए, ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी। अधिकारियों ने कहा कि देखो, हम इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि इसमें एक तो ये राष्ट्रगान बड़े लोगों के द्वारा गाया जा रहा था और दूसरा इसमें म्यूजिक शामिल था और म्यूजिक को हम शरिया कानून के अनुसार सही नहीं मानते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर खड़े नहीं हुए। हालांकि इन्होंने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, शरिया कानून हमारे लिए ज्यादा मायने करता है और हम उसी के आधार पर चलेंगे। खैर, अब ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी, ऐसे में अगर चाइना भी बुलाता है प्रतिनिधियों को तो भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर भारत बुलाता है तो फिर देखने वाली बात हो जाएगी। जहां एक तरफ दोनों के बीच में ये कलेश चल रहा है, वहीं अभी तो आप कोई भी मीडिया उठा ले, सिर्फ यही बात हो रही है कि पेजर का हमला हुआ और ये एक ऐसी खबर बन चुकी है जो अजूबा है। मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसा हमला है जिसको लेकर लोग बैठकर सोचेंगे कि ये अद्भुत कैसे हो गया, इतना दिमाग कैसे लग गया, ये भी हो सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा इस तरीके की चीज हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है, 500 लोग इसमें अंधे हो गए हैं। और इसके साथ साथ पहले हल्की सी खबर आई थी कि शायद ईरानी राजदूत इसमें घायल हुए हैं, पर अब खबर आ रही है कि नहीं जी, ईरानी राजदूत ने अपनी एक आंख गंवा दी है और दूसरी आंख गंभीर रूप से घायल हो गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। मंगलवार को अमानी के हाथ में ही पेजर फट गया। पहले अमानी के हल्के घायल होने की बात आई थी, लेकिन ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सदस्यों ने कहा कि अमानी की चोटें कहीं ज्यादा गंभीर है, उन्हें इलाज के लिए तेहरान ले जाया जाएगा। उधर हिजबुल्ला ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। अब सवाल क्या हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि आखिरकार 500 लोगों के आंखों पे निशाना कैसे लगा। तो जाहिर सी बात है, पहले रिंग किया गया, रिंग करने की वजह से पेजर को उठाकर वो देखने के लिए अपने आंखों के करीब लाए और आंखों के करीब ही विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें चली गई हैं। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग की आंखें गई हैं वो हिजबुल्ला के लड़ाके थे। अब बहुत तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये सारे पेजर में इस तरीके से सेट था या सिर्फ हिजबुल्ला के पेजर में। अगर हिजबुल्ला के पेजर में, तो फिर ये ईरानी राजदूत के पास ये पेजर क्या काम कर रहा था। बहुत सारे प्रश्न एक के बाद एक आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान का नाम इस पे आ रहा है और ताइवान के लिए भी एक बड़ी बदनामी हो रही है। कहा जा रहा है कि ताइवान के गोल्ड अपोलो से मंगाया गया था और मोसाद के हाथ लग गया, जिस इन्होंने छोटे छोटे विस्फोटक प्लांट कर दिए। गोल्ड अपोलो ने ये बयान दिया है कि देखो जी, ये पेजर जो फटे हैं ये हमने नहीं बनाए हैं, ये हमारा प्रोडक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा ब्रांड था। कंपनी ने कहा कि AR-924 मॉडल का उत्पादन और बिक्री BAC के द्वारा किया गया है और ये हमने सिर्फ ट्रेडमार्क दिया है, इस उत्पाद के डिजाइन निर्माण में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।